कार्ल मार्क्स लिखते थे, उन्होंने लिखा था, हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी बैल बंदर हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है, मेरे भाई वो एलिफेंट गॉड नहीं है। उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, ये संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? आठी विनायक क्यों है, सात या नौ क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना, लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है, और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के आठ, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो आठ सिद्धियों के देवता है, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम ईश्वत वशिष्ठ, आठ सिद्धियां हैं, इसलिए अष्टविनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो दो दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? एक ही दांत बनाते हैं, ऐसा नहीं है वास्तविकता, जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्ट विनायक है, इसलिए सूंड उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्ध चक्र, यानी चार चक्र पार करते हैं सात में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, इसीलिए हाथी के दो दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद, अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो आठ की संख्या है, क्यों उन्होंने सूंड है, सूंड क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं। भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। आप बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे, उन्होंने लिखा था, हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी बैल बंदर हनुमान या इनको पूछती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है, मेरे भाई वो एलिफेंट गॉड नहीं है। उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे, कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें।